वेलकम फ्रेंड्स तो आज हम टेंथ क्लास का एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमें दिया गया है विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ़ कंसिस्टेंट ऑफटन द सोल्यूशन ग्राफिकली अगर मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करूँ तो इसके लिए हमें थ्री कंडीशन दिया गया है जो हमने पहले भी डिस्कशन किया हो फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं राइट ये थ्री कंडीशन हमें दिए गए हैं अगर हम फाइन करते हैं ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू और दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन फ़ाइन होगा और उसके यूनिक सोल्यूशन फ़ाइन होगा अभी यूनिक सोल्यूशन फ़ाइन हो रहा है दैट मीन्स वो कंसिस्टेंट है राइट फर्स्ट कंडीशन याद रखना है हमें कि फर्स्ट कंडीशन ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो अगर हम इसे फाइंड करते हैं और हमें पूछा जाए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट तो हम इसे कंसिस्टेंट कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा सेकेंड सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड हमें दिया गया ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू अगर ये तीनों इक्वल हैं तीनों रेशियो इक्वल हैं दैट मीन्स वो कॉन्सीडेंट होगा कॉन्सीडेंट लाइन होंगे और कॉन्सीडेंट लाइन है तो वो भी क्या होगा हमें वो कंसिस्टेंट माना जाएगा क्योंकि वो भी सभी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं थर्ड जो हमें कंडीशन दिया गया थर्ड कंडीशन है ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू राइट और ये सी वन अपॉन सी टू इक्वल नहीं है दैट मीन ग्राफिकली ये पैरल लाइन हमें फ़ाइन हो गया और पैरल लाइन फाइन है दैट मीन्स ये हमें कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा नहीं और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि ये कहीं पर हमें जो कंसिस्टेंट uh, और इनकन्सिस्टेंट का अगर हम फाइन करें तो ये पैरल में ही इनकन्सिस्टेंट आता है अदरवाइज और किसी में आएगा नहीं राइट right? इनकन्सिस्टेंट सिर्फ इसी में आता है अगर पैरल लाइन हो तो इनकन्सिस्टेंट होगा अदरवाइज कंसिस्टेंट होता है चलो अभी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स वन प्लस एक्स प्लस वाई इजक्ल टू फाइव टू एक्स प्लस टू वाई इजक्वल टू टेन तो इसमें हमें अब हम इसमें क्या करेंगे सबसे पहले फाइन कर लेंगे रेशियो ए वन अपॉन ए टू वन अपॉन टू बी वन अपॉन बी टू वन अपॉन टू सी वन अपॉन सी टू फाइव अपॉन टू दैट मीन्स वन अपॉन टू दैट मीन्स ऑल रेशियो आर इक्वल और ऑल रेशियो आर इक्वल दैट मीन्स ये हो गया कंसिस्टेंट ये सेकेंड कंडीशन फॉलो कर रहा है कंसिस्टेंट है तो अब अब हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन में से हम थ्री थ्री सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं राइट right? तो फर्स्ट इक्वेशन पर से हम इसे पहले एक्स को सब्जेक्ट बना देते हैं जिससे हमें फाइंड हो जाएगा फाइव माइनस वाई अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर कोई भी वैल्यू रखते हैं वाई की तो वाई इक्वल टू माइनस वन अगर हमने रखा तो हमें सिक्स फाइन हो गया एक्स की वैल्यू वाई इज इक्वल टू टू रखा तो एक्स हमें थ्री फाइन हो गया वाई इज इक्वल टू फाइव रखा तो एक्स इक्वल टू हमें जीरो फाइन हो गया तो इस तरह से हमें थ्री वैल्यूज़ फाइन हो गए अब हम सेकेंड इक्वेशन अगर हम लेते हैं तो सेकेंड इक्वेशन जो हमें दिया गया है राइट सेकेंड इक्वेशन हमें दिया गया है एक्स इज इक्वल टू एक्स को भी यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो टेन एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू होगा और इसे सिम्प्लीफाई करेंगे तो फाइव माइनस वाई होगा अगर हम चेक करें तो फर्स्ट इक्वेशन के जैसा ही हो गया दैट मीन्स दोनों इक्वेशन सेम है अब हम इसे ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर हमने एक एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया और फिर यहाँ पर जो भी हमने पॉइंट लिया था जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था ज़ीरो फाइव राइट सेकेंड पॉइंट हमारा था थ्री एंड टू और थर्ड पॉइंट था सिक्स एंड माइनस वन और इसे हम प्लॉट करते हैं और इसे ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन फाइंड होगा और सेकेंड इक्वेशन वाले को भी हम इसी तरह से प्लॉटिंग करेंगे तो सेम फॉर्म सेम पॉइंट हमें फाइंड हुआ है दैट मीन्स सेम ही होगा इसका मतलब हो कि इसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन दिया गया है राइट right? इसी लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है तो इस तरह से हमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा और सेकेंड क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है एक्स माइनस वाई इजल टू एट थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्सटीन अब से हम फाइन कर लेते हैं ए वन अपॉन ए टू वन अपॉइंट थ्री बी वन अपॉन बी टू वन अपॉइन्ट थ्री एंड सी वन अपॉन सी टू एट अपॉइन सिक्सटीन मीन्स वन टू अगर यहाँ पे हम रेशियो फाइन करें तो फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियो सेम है बट थर्ड इज़ नॉट इज इक्वल टू तो फर्स्ट एंड सेकेंड राइट दैट मीन्स ये जो लाइन है हमें पैरल लाइन फाइंड होगा और ये पैरल लाइन है तो इसलिए हमें हम इसे इनकन्सिस्टेंट लिखेंगे और इनकन्सिस्टेंट हो तो उसे हम ग्राफिकली uh, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन दिया कि इफ कंसिस्टेंट देन ऑप्टेन द ग्राफिकली सोल्यूशन राइट थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है टू एक्स प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो फोर एक्स माइनस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो तो ए वन अपान ए टू टू अपॉन फोर वन अपॉन टू बी वन अपॉन बी टू वन अपन माइनस टू सो ए वन एंड ए टू ए वन अपान ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू बोथ आर नॉट इक्वल और अगर ये इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट राइट एट ए पॉइंट ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट हो गया इसी तरह से अब हम क्या करते हैं वाई को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से जिससे हमें फाइंड हो जाएगा सिक्स माइनस टू एक्स एक्स की वैल्यू हम पर्टिकुलर अलग अलग रखते हैं तो जीरो रखेंगे तो हमें सिक्स फाइंड होगा थ्री रखेंगे तो ज़ीरो फाइंड होगा टू रखेंगे तो टू फाइंड होगा राइट इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन को भी आ, 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 वाई को सब्जेक्ट बना देते हैं फोर एक्स माइनस फोर अपॉन टू जिससे हमें फाइंड हो जाएगा टू एक्स माइनस टू तो यहाँ पर भी हम एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो यहाँ पर हमें वाई इज्कल टू माइनस टू फाइन होगा एक्स की वैल्यू टू रखते हैं तो टू फाइंड होगा और एक्स की वैल्यू फोर रखते हैं तो सिक्स फाइन होगा अब अगर इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो फर्स्ट फाइन हुआ था जीरो एंड सिक्स तो जीरो और सिक्स को प्लॉट कर दिया सेकेंड हमें फ़ाइन हुआ था टू एंड टू टू एंड टू को फाइन यहाँ पर प्लॉट कर दिया थर्ड फाइन हुआ था थ्री एंड जीरो तो थ्री और ज़ीरो को यहाँ पर हमने प्लॉट कर दिया और इस लाइन को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन हमें फाइन हो जाएगा राइट अब हमें जो सेकेंड इक्वेशन हमने सॉल्व किया था सेकेंड इक्वेशन में हमें फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड किया था जीरो माइनस टू जीरो माइनस टू फाइन किया था हमने सेकेंड फाइंड किया था हमने टू एंड टू तो टू एंड टू एंड फोर्थ थर्ड हमने फाइंड किया था फोर एंड सिक्स तो इस तरह से हम इस प्लॉटिंग किया हमने इस पॉइंट्स को और इसे अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा और अगर यहाँ पर हम चेक करें तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन टू एंड टू पर इसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स इसके वन यूनिक सोलूशन फाइन हो गए टू एंड टू राइट right? इसके यूनिक सोल्यूशन हमें टू एंड टू फाइंड हो गए फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है टू एक्स माइनस टू वाई माइनस टू इज़ इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स माइनस फोर वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके कितने सोलूसन फ़ाइन होंगे और अगर इनकंसिस्टेंट है तो उसका तो सोल्यूशन क्या फ़ाइन होगा राइट आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा